Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ज्ञान शास्त्र विचारणे कर्म संस्थाप लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्यो श्री राधा कृष्ण प्रभाव वंदे रूप सनातन सर्वस्य चाहम विधि संविष्ट मत्त हस्त परिज्ञान विदेश सर्व अहम वेदान कृत वेद प्रिय विचार हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु नेक्ट ऑफ डिवोशन का पहला अध्याय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस जिसके हम लोग कुछ लक्षण देख चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कृष्ण आकर्षण ये वाला देख रहे हैं। मैं शेयर करता हूँ कृष्ण आकर्षण। तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि भक्ति इवन भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करती है। भगवान कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले हैं। जैसे कृष्ण का नाम का मतलब ही कृष्ण है ना, जो सबको आकर्षित करे वो है कृष्ण। लेकिन भक्ति भगवान को भी आकर्षित करती है। भक्ति का जो चिन्ह है सबसे ऊंचा वो श्रीमती राधा रानी है। भगवान कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वो इतने आकर्षक हैं कि वो सारे प्रकार के जो मदन यानी जो कामदेव है उसका जो आकर्षण को उनको पछाड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें तो जो कामदेव हैं वो सभी को आकर्षित करते अपने जो 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 कामदेव के जो पुष्प बाण हैं उससे वो सभी को आकर्षित करते हैं। वो कैन मेक एनीबडी डिफीट मतलब हर किसी को। और हम लोग देखते हैं बहुत सारे जब कोई ऐसा तपस्या करने के लिए तो इंद्र उनको भेज देता कि जाओ उनका तपस्या बंद करो। तो मदन जो है यानी कामदेव कुपिड इंग्लिश में जो कहते हैं वो अपने पुष्प बाण से उनके हृदय को उनको छिन छिन कर देता है उनको। और एक बार मैं चैतन्य चरण प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा हूँ तो कह रहे थे कि मदन मोहन ने सोचा एक बार चलो मैं भगवान कृष्ण को भी मैं जरा मजा चकाता हूँ। बोला मैं जरा उनको भी अपने पुष्प के बाण जो है उनको मार के उनका भी हृदय जो है उनका मैं विदीर्ण कर देता हूँ। और एक बार आई थिंक इट वॉज टेर कदम जो स्थान है वहाँ पे थे भगवान कृष्ण अपने गोपियों के साथ थे। और वहाँ पे जो कामदेव है वो अपना पुष्प बाण उन्हें छोड़ा लेकिन भगवान को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण समझ गए कि ये जो है बहुत चालूगिरी कर रहा है। तो भगवान ने सिर्फ अपनी जो भौहें अपनी जो आईब्रोज है अपने आईब्रोज को टेढ़ा किया। तो कह रहे थे कि आईब्रोज जो है वो जब हम उसको जब रेज करते हैं आईब्रोज में ना आईब्रोज आर रेज्ड इट बिकम्स लाइक ए बो एक धनुष की तरह हो जाता है। उससे जब देखा उसको तो वहां पे ऐसा वो नीचे ऐसा बुरी तरह गिर गया एकदम मूर्छित हो गया एकदम भगवान के। तो
मदन जो है वो सबको आकर्षित करता है, लेकिन भगवान कृष्ण जो वो उनको भी आकर्षित करते हैं मदन को, इसके लिए उनका नाम है मदन मोहन, जो मदन को भी मोहित कर देता है। और ये जो भक्ति है वो जो है वो भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करती है। तो वी कैन अंडरस्टैंड, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि भक्ति कितना पावरफुल है, हाउ पावरफुल भक्ति इज। फिर आगे कहते हैं बट राधा रानी स्टिल मोर अट्रैक्टिव और शी कैन इवन अट्रैक्ट कृष्ण। तो राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करती है। तो मदन को भगवान कृष्ण आकर्षित करते हैं, इसके लिए उनका नाम है मदन मोहन। और राधा रानी को, राधा रानी जो है वो मदन मोहन को भी आकर्षित करती है, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी, इन्हें मदन मोहन को भी मोहित कर देती है। तो राधा रानी जो है वो और भी ज्यादा पावरफुल है और वो भगवान कृष्ण मदन मोहन को भी वो आकर्षित करती है, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो ये यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद जो है यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं भक्ति करने का अर्थ है श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों पर चलना, या जो वृंदावन के जो भक्त हैं उनके जो श्रीमती राधा रानी के शरण में हैं उनका आदेश लेके उनके हिसाब से चलना। दैट मीन्स अगर हम लोग को भक्ति करना है तो हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते, वी कैनॉट से मुझे भक्ति करना है तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूँगा, नहीं। भक्ति करने का मतलब है जो जो रास्ता बताया है, जो जो महाजन ने बताया है, जो आचार्यों ने बताया है, उसको फॉलो करना। और श्रीमती राधा रानी के अपने आप को उनके चरण में रखकर उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना, तो वो असली जो है भक्ति का मतलब ये है। उनके राधा रानी के पद चिन्हों पर चलना जैसे वो करते हैं, या ऐसे भक्त जो उनकी शरण में हैं वृंदावन के जैसे हैं उनके पद चिन्हों पर चलना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्ति जो है इस भौतिक जगत का कोई गतिविधि नहीं है, इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ राधा रानी। तो ये जो है डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी के अंडर में, तो भक्ति का कोई भी कार्य जो है वो इस भौतिक जगत का नहीं है, इट्स नॉट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, ये श्रीमती राधा रानी के अंडर में है। और इसीलिए भक्ति जो है वो ट्रांसेंडेंटल, वो साधारण नहीं है वो। और इसीलिए भक्ति जो है जब कोई करता है तो भगवान कृष्ण उससे आकर्षित हो जाते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि महात्मा लोग जो है वो ऐसे देवी प्रकृति के शरण में रहते हैं, और वो देवी प्रकृति है श्रीमती राधा रानी। तो प्रकृति यानी हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए महामाया, तो देवी प्रकृति यानी योग माया, योग माया भी नहीं श्रीमती राधा रानी, सॉरी। तो देवी, ये जो देवी प्रकृति है दैट इज श्रीमती राधा रानी। सो बीइंग डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ इंटरनल पोटेंशियल कृष्णा, तो भगवान की जो डायरेक्ट अंतरंग शक्ति है डायरेक्टली उनके उनके अंडर में रहना। और ऐसा जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग रहते हैं उनके शरण में, तो भक्ति जो है जो भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करती है। फिर आगे कहते हैं दिस फैक्ट इज कोराबोरेटेड बाय कृष्ण इन द 11th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम 14th चैप्टर वर्स नंबर 20। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का श्लोका नंबर जो 20 है उसके बारे में कहा गया है। तो उसमें कहा गया है कि हे प्रिय उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि जो भक्ति के प्रति जो मैं आकर्षण महसूस करता हूँ, जो मेरे भक्त मेरे प्रति करते हैं, ये इज नॉट टू बी अटेंड इवन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टिक योग। तो जो जो योग करते हैं या तार्किक फिलोसफिकल स्पेकुलेशन करते हैं, या वेदों के दिए गए रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, या वेदों को पढ़ते हैं, या बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, और या तो दान करते हैं,
उनको भी जो है प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त जो मेरे प्रति भक्ति करते हैं तो उनके लिए मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करता हूँ। ये उद्धव जी से भगवान कृष्ण कहते हैं, देर आर ऑफ कोर्स वेरी नाइस एक्टिविटीज बट दे आर नॉट एज अट्रैक्टिव टू मी एज द ट्रांसेंडेंटल लिविंग सर्विस रेंडर्ड बाय माय डियर डिवोटीज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारे दृश्य भी हैं, लेकिन वो उतनी आकर्षक नहीं है जितनी भक्ति जो मेरे भक्त जो मेरे प्रति करते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं, हाउ कृष्ण बिकम्स अट्रैक्टेड बाय डिवोशनल सर्विस ऑफ हिज डिवोटी इज डिस्क्राइब्ड बाय नारद इन श्रीमद् भागवतम। तो कैसे भगवान कृष्ण भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, ये नारद मुनि जी श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के 10th चैप्टर 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 48 और 49 यानी 48 और 49 में कहते हैं, देयर नारद एड्रेसेस किंग युधिष्ठिर। यहाँ पे नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, while the king is appreciating the glories of the character of Prahlad Maharaj, a devotee always appreciates the activities of other devotees. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा कर रहे थे तब वो दूसरे भक्तों को नारद मुनि जी ये कह रहे हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज की सराहना कर रहे थे तो जो भक्त है वो हमेशा दूसरों की गतिविधियों को जो है उनकी सराहना करते हैं। युधिष्ठिर महाराज वाज अप्रिशिएटिंग द क्वालिटीज ऑफ प्रहलाद। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज के जो गुण हैं उनको सराहना कर रहे थे। ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी अपने आप को महान नहीं समझता, वो हमेशा दूसरे भक्तों को अपने से ऊपर देखता है। तो राजा ये सोच रहे थे कि प्रहलाद महाराज जो है वो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। एंड वाइल थिंकिंग दिस ही वाज एड्रेस्ड बाय नारद एज फॉलोज़। और ऐसा जब सोच रहे थे तब युधिष्ठिर महाराज से नारद मुनि जी ने ये कहा, क्या कहा, हे प्रिय युधिष्ठिर महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं इस जगत में कि भगवान स्वयं जो है इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और वो आपके सामने एक साधारण मनुष्य के समान वो उपस्थित हैं। वो हमेशा आपके साथ में रहते हैं, हर परिस्थिति में वो आपके साथ रहते हैं। एंड कवरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द आईज ऑफ अदर्स, और दूसरों की आंखों से हमेशा अपने आप को कवर करके रखते हैं। दूसरे लोग भगवान को नहीं समझ पाते लेकिन वो हमेशा आपके साथ में रहते हैं, आपके कजिन यानी आपके भाई के तरह रहते हैं, आपके मित्र के समान रहते हैं, आपके दूत जो मैसेंजर होता है उसके समान रहते हैं। देयरफॉर यू मस्ट नो दैट नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज मोर फॉर्चुनेट देन यू। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपसे ज्यादा भाग्यशाली और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा जब नारद मुनि जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मुझसे ज्यादा तो भाग्यशाली प्रहलाद महाराज, क्योंकि प्रहलाद महाराज की वजह से इस इतने मतलब उनका भक्ति इतना है कि मतलब मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो तुच्छ हूँ। और प्रहलाद महाराज कितने भाग्यशाली हैं कि प्रहलाद महाराज जी की वजह से जो है नरसिंह देव का अवतार हुआ था। तो अपने भक्त को बचाने के लिए, प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए वो आए थे और उनने अवतार लिया था और कितना उनसे प्रेम किया। तो इसमें आगे चैतन्य चरण प्रभु कह रहे थे कि जब ऐसा जब ये आता है, आई थिंक बृहद भागवतामृतम में आता है, तो उसमें प्रहलाद महाराज जी आगे कहते हैं, जब वो प्रहलाद महाराज जी को जब ऐसा सुनते हैं कि मैं बहुत बड़ा डिवोटी, तो बोलते हैं नहीं वो मेरे लिए नहीं आए थे। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, रूप गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि भक्त कभी भी अपने आप को महान नहीं समझता, वो हमेशा दूसरों को महान समझता है। तो जब
युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज की सराहना कर रहे थे, तो प्रहलाद महाराज कह रहे थे कि नहीं वो मेरी वजह से नहीं है, वो तो ब्रह्मा जी की वजह से है, ब्रह्मा जी ने वचन दिया था कि मेरे मैंने जिनका भी सृष्टि किया उसमें से वो कोई भी व्यक्ति जो है आपको, मतलब कोई भी स्पीसीज, कोई भी योनि जो है वो आपको नहीं मार सकता। तो इसके लिए वो जो है वो उनका शब्द पूरा करने के लिए वो आए थे। फिर वो जो है वो ब्रह्मा जी अच्छे भक्त हैं उनकी वजह से आए थे, फिर नारद मुनि जी की वजह से आए थे। फिर कि नारद मुनि जी ने जब जब उनको बचाया था उनकी माँ कयाधु को, तब नारद मुनि जी कयाधु जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे तब वो उनको पूरा जो है सब भागवत कथा सुनाते थे, भगवान की लीला सुनाते थे। तो ऐसा नहीं था कि प्रहलाद महाराज घर में सो जाते थे, जब भी नारद मुनि जी कुछ बोलना शुरू करते तुरंत वो जागृत होकर वो ध्यान से सुनते थे। तो प्रहलाद महाराज बचपन से ही श्रवण करते थे, जब मतलब बचपन से नहीं गर्भ में थे तब से वो श्रवण कर रहे थे वो, और वो भी नारद मुनि जैसे महान भक्त का। तो ये ऐसे जो है युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज की सराहना करते, प्रहलाद महाराज दूसरे भक्तों की सराहना करते हैं। तो ऐसा जो है एक यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक जो अच्छा भक्त है वो कभी भी अपने आप को महान नहीं सोचता, वो हमेशा दूसरों को, दूसरों की सराहना करता है। फिर आगे कहते हैं, इन भगवद गीता व्हेन कृष्ण अपीयर्ड इन हिज यूनिवर्सल फॉर्म अर्जुना प्रेड, जब भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन ने प्रार्थना किया, हे प्रिय कृष्ण मैं ये सोच रहा कि तुम मेरे चचेरे भाई हो, सॉरी मेरे मेरे भाई हो, एंड सो मैंने आपका बहुत जो है आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया, मैं कभी आपको कृष्ण कभी सखा कह के पुकारता था, बट आप इतने महान हो ये मैं कभी समझ नहीं पाया। तो ये जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा तब उसको रियलाइज है, बाप रे ये तो साक्षात भगवान है। तब तक वो जो था वो मैं इतना नहीं, सब भगवान कृष्ण के कंधे में हाथ डाल के बैठता था, कभी कभी अर्जुन सो जाते थे और उनके घोड़ों के मालिश भगवान कृष्ण किया करते थे, और हमने देखा कैसे वो सारथी भी बन के अर्जुन का रथ चलाते हैं, अर्जुन को लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट साइड पे लात मारते थे, राइट जाना है तो राइट साइड पे लात मारते थे। तो जब विश्वरूप देखा तो वो एकदम चौंक गए, बोले भाई तो आपका मैंने बहुत निरादर किया, मैं आपको हे कृष्ण हे सखा करके पुकारता था मैं। तो सो दैट वॉज द पोजिशन ऑफ पांडवस। तो ये पांडव जो थे उनका ऐसा स्तर था कि यद्यपि कृष्ण सर्वोत्तम भगवान है, सबसे उच्चे हैं, वो हमेशा उन भाइयों के साथ रहे। क्यों? क्योंकि वो उनकी भक्ति से बहुत आकर्षित थे, उनके उनके फ्रेंडशिप से, उनके प्रेम से। और यही जो है प्रूफ है कि कैसे भक्ति जो है वो सबसे सर्वोच्च है। इट कैन अट्रैक्ट इवन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ये भगवान को भी आकर्षित करता है। भगवान महान है लेकिन भक्ति वो भगवान से भी ग्रेट है। क्यों? क्योंकि वो उनको आकर्षित करती है। पीपल हु आर नॉट इन डिवोशनल सर्विस कैन नेवर अंडरस्टैंड व्हाट ग्रेट वैल्यू देयर इज इन रेंडरिंग सर्विस टू डिवोशन। तो जो लोग भक्ति में नहीं है तो भक्ति की महिमा को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे कृष्ण आकर्षणी ये सेक्शन खत्म होता है और दूसरा चैप्टर शुरू होता है। तो आई विल स्टॉप हियर, यहाँ पे सारे 6 के 6 लक्षण हमने पूरे कर दिए। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई एडिशनल कमेंट्स, कुछ डाउट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा।
ओके इट्स नथिंग। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और कल से दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। हरे कृष्ण श्री श्री भक्ति रसाम की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, वर्तमान स्कंद गोविंद की जय, समन्वित भक्त गोविंद की जय, हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम। मैं शेयर करता हूँ श्रीमद् भागवतम अच्छा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, करेक्ट। ओके तो थर्ड चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है यमराज इंस्ट्रक्ट्स इस यमदूतास सिक्स इस मैसेजेस। तो यमदूतों को वो शिक्षा देते हैं। यहाँ पे समरी है इसका अध्याय का, हम लोग देखते हैं इस अध्याय में क्या है। तो हम लोग आज इसको कवर करते हैं चैप्टर समरी को। तो इसमें ये कहा गया है कि एज रिलेटेड इन दिस चैप्टर द यमदूतास अप्रोच्ड यमराज। तो इस अध्याय में कहा गया कि कैसे यमदूत जो है वो तो यमराज जी के पास आते हैं, जिन्होंने मतलब यमराज जी ने पूरा एकदम बहुत ही डिटेल में भागवत धर्म का वर्णन किया, रिलीजियस प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के जो तत्व हैं उनका वर्णन किया। और यमराज दस सेटिस्फाइड द यमदूतास, और इस प्रकार उन यमदूतों को उन्होंने संतुष्ट किया जो बहुत ही असंतुष्ट थे, वो दुखी थे, वो एकदम डिसअपॉइंटेड थे कि ऐसे कैसे हो गया, हम लोग तो जो हैं उनको लगता था यमराज ही भगवान है, इनका जो आदेश है उन्हीं का पालन करते हैं, वो हमेशा कभी भी गलत नहीं करते हैं, तो वो जो सही होता है, जो पापी है उसको दंड देते हैं, जो पुण्यवान है उसको स्वर्ग में भेजते हैं। तो ये इतने पापी आदमी को हमारे पास पूरा लिस्ट है उसको क्यों इन्होंने बचाया, तो इसके वजह से बहुत वो अनसेटिस्फाइड थे, बहुत ही असंतुष्ट थे। और वो आके यमराज जी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और तब यमराज जी उनको पूरा डिटेल बताते हैं। यमराज जी कहते हैं यद्यपि अजामिल जो है वो ने पुत्र को पुकार रहा था, वो भगवान का नाम ले रहा था नारायण, और ये नाम लेने से, ये पवित्र नाम लेने से तुरंत जो है विष्णु दूत जो भगवान के हमेशा पार्षद हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, वो उनको बचाने के, अजामिल को बचाने के लिए वहां पहुंच गए। ये एकदम सही है, ये एक सत्य है कि जो बहुत पापी व्यक्ति है वो भी अगर भगवान का नाम लेता है भले ही वो सारे अपराधों से मुक्त ना हो, वो फिर से कभी इस भौतिक दुनिया में जन्म नहीं लेता। तो यहाँ पे यमराज जी क्या कह रहे हैं कि कितना भी पापी हो और भले ही वो सारे अपराधों से, ऑल्दो नॉट कंप्लीटली विदाउट ऑफेंसेस, वो अपराध पूर्ण नहीं है, डज नॉट टेक अनदर मटेरियल पर्थ, वो इस भौतिक जगत में कभी फिर से जन्म नहीं लेता। फिर आगे कहते हैं बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड अजामिला मेट फोर ऑर्डर कैरियर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो अजामिल ने जब भगवान का नाम लिया तो वो चार विष्णु दूतों से मिला, वो इतने सुंदर थे तुरंत उसको बचाने के लिए वहां पहुंच गए। यमराज जी ने उनका वर्णन किया, विष्णु दूत भगवान के शुद्ध भक्त हैं, द सुप्रीम पर्सन
इन रिगार्ड टू द क्रिएशन मेंटेनेंस एंड इनिशिएशन ऑफ दिस पर्सनल मैनिफेस्टेशन, और वो ही सारा सृष्टि पालन और संहार देखते हैं। न तो इंद्र, न वरुण, न शिव, न ब्रह्मा, न सप्त ऋषि, न मैं खुद इनके आध्यात्मिक लीलाओं को समझ सकते हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट यानी स्वयं संतुष्ट हैं और इस भौतिक इंद्रियों से परे हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से कभी भी इनको समझ नहीं सकते। भगवान मास्टर ऑफ इल्यूजरी एनर्जी, वो इस माया के मालिक हैं, सभी प्रकार के आध्यात्मिक गुण हैं और उनके जो भक्त हैं वो इसी प्रकार से उनमें भी वही गुण होता है। द डिवोटी इज कंसर्न्ड ओनली विद रेस्क्यूइंग द फॉलन सोल्स, भगवान के जो भक्त हैं वो सिर्फ जो पतित आत्माएं हैं, जो बद्ध जीव हैं, उनको कैसे इस भौतिक जगत से निकाला जाए इसके बारे में सोचते हैं, और इसीलिए वो पृथ्वी पर अलग अलग जगह पे जन्म लेते हैं ताकि वो ऐसे बद्ध जीवों को बचा सके। If one is somewhat interested in spiritual life, अगर किसी को अगर आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो भगवान के भक्त जो है तुरंत उसको बचाने के लिए वहां पे उसका संरक्षण करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। आगे यमराज जी कहते हैं, तो इस सनातन धर्म का सार यही है, ये सनातन है, बहुत ही गुह्यतम है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। नो वन बट लॉर्ड हिमसेल्फ कैन डिलीवर दैट कॉन्फिडेंशियल रिलीजियस सिस्टम टू ह्यूमन सोसाइटी, और दूसरा कोई भी नहीं, सिर्फ भगवान ही ये जो बहुत ही गुह्य ज्ञान है वो मानव समाज को दे सकते हैं। ये भगवान की कृपा से ही ये आध्यात्मिक जो धर्म है वो उनकी कृपा से ही भगवान के भक्त जो है इस आध्यात्मिक धर्म के सिस्टम को समझ सकते हैं, और खास करके जो 12 महाजन है, ये 12 महाजन वाला श्लोक इसमें है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, तो ये वाला श्लोक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये 12 महाजनों का नाम यहाँ पे गिनाया है, ब्रह्मा, नारद मुनि, शिव जी, चार कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी और उद्मय। ये यमराज जी कह रहे हैं, वो अपने बारे में कह रहे हैं, हम लोग 12 लोग जो हैं ये 12 महाजन हैं। और फिर आगे कहते हैं अदर लर्नड स्कॉलर्स, और बाकी जो दूसरे जो विद्वान हैं जिनमें जैमिनी जो हैं जो मुख्य हैं, वो भी इस महामाया के द्वारा आवृत है, और इसीलिए वो भी वेदों के जो जो सुंदर पुष्प जैसी वाणी है उसमें आकर्षित हो जाते हैं। जैसे वेद को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको त्रयी कहा गया है, इससे इसमें फंस जाते हैं। वो शुद्ध भक्त बनने के बजाय वो वेदों के इन फ्लावरी वर्ड्स इनमें फंस जाते हैं, और वेदों के जो नियम है, जो दिए गए सारे रिचुअल्स है, उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो भगवान के नाम की महिमा को नहीं समझ सकते। विद्वान लोग जो है इस भक्ति को ग्रहण करते हैं, और जब वो भगवान का नाम लेते हैं बिना अपराध के, तब वो मेरे क्या कहेंगे, मेरे कंट्रोल के मतलब परे हो जाते हैं, मतलब मेरा उन पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाता जब वो भगवान का नाम लेते हैं बिना किसी अपराध। इफ बाय चांस दे कमिट सम सिंपल एक्टिविटी, हाँ अगर गलती से कभी उनसे कोई पाप हो जाता है तो भगवान का नाम ही उनकी रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि दैट इज वेयर देयर इंटरेस्ट लाइज, क्योंकि उसी में उनका इंटरेस्ट है। ये भगवान के जो चार आयुध हैं, खास करके जो गदा,
और सुदर्शन चक्र ये हमेशा भक्तों की रक्षा करता है। जो भगवान का जप करता है, उनका श्रवण करता है, उनका स्मरण करता है बिना किसी डुप्लीसिटी के, यानी एकदम बहुत ही सिंसियरली करता है, उनसे प्रार्थना करता है, भगवान को प्रणाम करता है, बिकम्स परफेक्ट, वेयर एज इवन वो एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। जबकि जो दूसरे विद्वान हैं वो उनको नरक में भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें भक्ति नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर शुद्ध भक्त भी नहीं है लेकिन अगर भक्ति कर रहा है तो उसको नरक नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरा अगर कोई बड़ा विद्वान भी है जो भक्ति नहीं कर रहा तो उसको नरक जाना पड़ेगा। After Yamraj thus described the glories of the Lord and his devotees, Sukhdev Goswami further explained the potency of the chanting of the holy name. और इस प्रकार यमराज जी ने स्वयं भगवान के और उनके भक्तों की स्तुति की। सुखदेव गोस्वामी जी आगे जो इस भगवान के नाम की महिमा को का बखान करते हैं और एंड फ्यूटिलिटी ऑफ परफॉर्म और बाकी जो दूसरे वेदों के जो जो भी नियम हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं में जो भी कहा गया है उनको करने से कोई फायदा नहीं है ये बताते हैं। यानी जैसे फॉर अटोनमेंट, यानी जैसे हमने देखा कि जो दूसरे अध्याय में स्टार्ट में यही था कि पाप अगर किया है तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रायश्चित भी अगर वेदों के अनुसार कर रहा है तो उसका उतना फायदा नहीं है, ये यमराज जी स्वयं उनको बता रहे हैं। तो चाहे जैसे भी हो, अपनी पुण्यात्मा हो पापी हो, उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये मैसेज हमें को इसमें मिलता है। तो यहाँ पे ये समराइजेशन खत्म होता है। मिनट्स ओके, तो एक श्लोक या छोटा है हम लोग के देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे फर्स्ट श्लोक। श्री राजोवाच निशम्य देवः स्वभटः भटो पवर्णितं प्रत्याहतिं कानपि धर्मराजः एवं हताग्नो विहितान् मुरारे नैवेशिकैर्यस्य वशे जनोऽयम्। यहाँ पे परीक्षित महाराज कहते हैं, हे प्रिय, हे मेरे मालिक सुखदेव गोस्वामी, यमराज जी जो सारे जीवात्माओं के कंट्रोलर हैं, द टर्म्स ऑफ देयर रिलीजियस एंड इरिलीजियस एक्टिविटी, धर्म और जो पाप और पुण्य के जो गतिविधियां हैं उस हिसाब से, लेकिन बट हिज ऑर्डर हैज बीन फॉल्ड, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो फेल हो गया। जब उनके सेवक जो यमदूत ये उनको बताने के लिए पहुंचे कि वो विष्णु दूत से हार गए जिन्होंने उनको रोका उस अजामिल को पकड़ने से, तब उन्होंने क्या रिप्लाई दिया। तो अब यहाँ पे परीक्षित महाराज का पहला प्रश्न है कि यमराज जी सबके कंट्रोलर हैं, पाप पुण्य सबका लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन उनका भी ऑर्डर फेल हो गया। तो जब उनके दूत उनको ये बताने के लिए पहुंचे कि हम लोग विष्णु दूत से हार गए, तब उन्होंने क्या जवाब दिया। तो सामान्यतः अगर देखें, अगर किसी राजा के या किसी कंट्रोलर के सेवक आके को बोले कि हम इस ऐसे ऐसे फलाना व्यक्ति से हार गए, तो उसको गुस्सा आएगा कि ऐसे कैसे, मतलब मैं कंट्रोलर हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे सेवकों को कैसे उन्होंने हरा दिया। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनका क्या रिप्लाई था। अब ये पूछ रहे हैं कि यमराज जी ने क्या कहा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तात्पर्य, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज
हैं।